नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गई। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म लंबे समय से चर्चा में थी। सोशल मीडिया पर इसे बहिष्कार करने के लिए बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र जैसे हैशटैग ट्रेंड हो रहे थे। अब फर्स्ट डे और फर्स्ट शो देखने के बाद लोगों ने ट्विटर पर रिव्यू देना शुरू कर दिया। लोगों की तरफ से इस फिल्म को मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। जहां कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद आई, वहीं एक बड़े तबके ने इस फिल्म को बकवास बताया। एक यूजर ने लिखा, ब्रह्मास्त्र रिव्यू, पूरी फालतू मूवी, देयर इज नो प्लॉट ऑफ द मूवी, अ लॉट्स ऑफ कैरेक्टर आर इम्पोज्ड एंड द वीएफएक्स इज ऑन इट्स वर्स्ट लेवल, इफ दे डोंट नो देन व्हाई दे आर मेकिंग फन ऑफ बॉलीवुड। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, दिस फिल्म इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, horrible VFX and direction, not even a single scene evokes goosebumps, rather it is bound to give you headache throughout the runtime, a blot on filmography. Iske alawa ek aur user ne likha, Brahmastra 1.5 out of 5 stars, right from the opening scene lacking in connect with the audience. 30 minute story stretched to a 2.5 hour movie, a few bright spots can't save it from clunky writing. Highly disappointed, wasted a stellar cast. वही एक और यूजर ने लिखा, डिसअपॉइंटिंग, रेटिंग 1 स्टार, डजंट मीट द स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस, लाइक एवरी टाइम, दिस टाइम टू बॉलीवुड प्रूव्ड इट्स फिल्थ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, आलिया भट्ट वेरी बैड। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, ब्रह्मास्त्र रिव्यू, फर्स्ट हाफ इज ओके बट सेकेंड हाफ इज टू लेंथी एंड बोरिंग, स्ट्रिक्टली एवरेज फिल्म, वीएफएक्स ऑल्सो नॉट गुड। कॉन्स, रिफ्रेशिंग स्टोरी, रणबीर कपूर ओके फर्स्ट हाफ। प्रोज, वीएफएक्स इज बैड, बोरिंग सेकेंड हाफ, क्लाइमैक्स कंफ्यूजिंग, स्क्रीन प्ले, ब्रह्मास्त्र रेटिंग 2 स्टार्स। वही एक और यूजर ने लिखा, वन वर्ड रिव्यू, मेस, ब्रह्मास्त्र 1.5 out of 5, राइट फ्रॉम द ओपनिंग सीन लैकिंग इन कनेक्ट विद द ऑडियंस, 30 मिनट स्टोरी स्ट्रेच्ड टू अ 2.5 आवर मूवी। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, ब्रह्मास्त्र रिव्यू, मेगा डिजास्टर, बेटर वॉच नागिन सीरियल। तो देखा आपने, ट्विटर पर लोग किस कदर ब्रह्मास्त्र की धज्जियां उड़ा रहे। ट्विटर पर लोगों के रिएक्शंस देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई। हालांकि रणबीर और आलिया के फैंस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के अलावा अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय जैसे सितारे। कैमियो में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के नाम की चर्चा है। फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं और इसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बनाने में 410 करोड़ रुपए की लागत लगी और ये एक या दो नहीं बल्कि पूरे 5 साल में बनकर तैयार हुई। ऐसे में मेकर्स को फिल्म से बहुत उम्मीद है। अब ये देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल दिखा पाएगी या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।